गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। नवागत जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने ट्रेजरी ऑफिस में किया कार्यभार ग्रहण। कहा शासन की योजनाओं को मूलभूत रूप से संचालित करना ही होगी उनकी पहली प्राथमिकता। निर्माणाधीन बंधे का कैंपियरगंज के विधायक एवं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने किया औचक निरीक्षण। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दी चेतावनी। सदर तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस में आए 90 मामलों में से 2 मामलों का हुआ त्वरित निस्तारण। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई कर विभाग की समीक्षा बैठक। बकायेदारों से वसूली पर दिया गया जोर। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य बहिष्कार करने वाले शिक्षकों ने मंगलवार को जुबली इंटर कॉलेज में दिया धरना। पहली बार ई लॉटरी से शराब के दुकानों के आवंटन से आवंटी दिखे संतुष्ट। सरकार को भी हुआ 13,51,00,000 के राजस्व की प्राप्ति। विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने परिषद के स्थापना और संचालित कार्य पर डाला प्रकाश। जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे में आयोजित हुई रक्तदान शिविर। सर्व समाज के लोगों ने स्वेच्छा से किया रक्तदान। 21 मार्च को मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी का होगा महानगर में आगमन। विविध कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राज्य आमंत्रण महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम ने चारगावा ब्लॉक को हराया। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के पहले क्वार्टर फाइनल में टीडीएस क्रिकेट एकेडमी ने खलीलाबाद चैंपियन को 118 रनों से पीटा। सेमीफाइनल में जगह की पक्की। अब खबरें विस्तार से। जिले के नवागत जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने मंगलवार को गोरखपुर पहुंचकर ट्रेजरी ऑफिस में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इसके पूर्व उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 2008 बैच के आईएएस के विजयेंद्र पांडियन इससे पहले कानपुर जनपद में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से मुखातिब होते हुए जिलाधिकारी ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए बताया कि सभी को रोटी कपड़ा मकान मुहैया कराना, शासन की योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित कराना और मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं को निर्धारित समय से पूरा करना रहेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवागत जिलाधिकारी ने बताया। राजेश भैया
विकेट पर फर्स्ट टाइम खत्म हो गया। ₹25,000 का निकाल रहे हैं टाइम, ₹25,000 किसी विभाग है ना वैल्यूबल्स के नाम से रख लेते हैं तो सड़ जाता है कभी कभी, देखता हूँ तो सबको नोटिस भेज के बता दीजिए आकर रिव्यू कर लीजिए। तो ये मार्च के पहले मैं तो उसको सब लोग जारी कर दें, किसी विभाग वैल्यूबल रखा है वो आकर के पुष्टि कर लें उनको वैल्यूबल का जरूरत क्या है, क्या क्या है वैल्यूबल सब कुछ वैल्यूबल रखा है सब कुछ लिख करके बता दें। तुम्हारा यार ऐसे कुछ चीज़ मिला हो मतलब पुलिस से जो उसे रखा हो वो मूर्ति है उसी जगह कुछ जो जनपद में जनता का प्राथमिकता हो मेरा प्राथमिकता रहता है। बेसिकली जो गवर्नमेंट का सरकार का जो भरीता होता है रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये मूलभूत सुविधाएं देना तो ज़रूरी है, गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है। इसी के अलावा जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का जो भरीता योजना होता है उसी का हम लोग उसी बेस पे उसी दिशा पे उसी स्प्रिट के साथ हम ले जाएंगे कृषि उतरेंगे। ना अभी तो मीडिया साथियों से चर्चा हुई थी, यहाँ जो ज़मीन का झगड़ा ज़्यादा है उसको तो श्रावस्ती से एक अच्छा मॉडल चालू हुआ था लागू हुआ था उसको काफ़ी सफलता भी रहा। उसी के अंदर क्या है जो हम लोग हर जनपद में हर रेवेन्यू विलेज में जाते हैं, करीबन मान लीजिए तो गोरखपुर में करीबन 3,000 रेवेन्यू विलेजेस है, उसका शेड्यूल बना लेते हैं, 10 मेंबर की टीम बनती है
जीडी में थाने में जाने के बाद जीडी में एंट्री करते हुए गांव में जाएंगे, जो घटना जो होता है उस हिसाब से उसका एंट्री होता है। शाम को तब टीम लौटती है, तब तक पूरा वहाँ का जमीन संबंधित मामला निपटा के आते हैं। अब उसको हम लोग चालू करेंगे यहाँ गोरखपुर में भी। हम लोग 3 महीने के अंदर एक टारगेट लेके जा रहे हैं, तो उसको एक राउंड कम से कम सारे रेवेन्यू विलेज गाँव में जा करके मेरा टीम उसको निस्तारण करें। अगले राउंड फिर 3 महीने के बाद फिर हम लोग फिर आगे भी ले चलेंगे, सीएम सिटी असर तमाम वीआईपी आना जाना होता है, उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था प्राप्ति जरूर। अभी तो एक साथ ही अभी बात उठाए थे, यहाँ ट्रैफिक के जाम का बड़ा इशू है। हम अभी तो कहाँ कानपुर से अभी सुबह से आए हैं, वहाँ से चार छोड़ के वहाँ हम लोग तो कहाँ कहाँ जाम का स्थिति होता है, वहाँ 500 गाड़ी से लेकर 1000 गाड़ी तक का मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था कराए, उसे काफ़ी राहत मिला जनता को। यहाँ कोशिश करेंगे सिटी के बीच में भी कहाँ कहाँ जगह मिल जाता है जीडीए और एजेंसी से टाइप करते हुए आपको मल्टी लेवल पार्किंग और दूसरे जगह कहाँ कहाँ पार्किंग की व्यवस्था कराना उसको व्यवस्था करेंगे। मंगलवार को डोमिनगढ़ पहुंचे कंपियरगंज क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने मंझरिया क्षेत्र के बंधे का, जो कि पिछले साल आई बाढ़ में नष्ट हो गया था, उसी के चौड़ीकरण और निर्माण कार्य के निरीक्षण किया और खामियां भी पाई, जिसके लिए बंधे का निर्माण कराने वाले पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डोमिनगढ़ प्रधान प्रतिनिधि संजय राजभर एवं पूर्व मंत्री विधायक कंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह ने इस बाबत पूरी जानकारी देते हुए कहा, खाली थोड़ी लेगा, जिंदाबाद गाड़ी ले लीजिए सभी लोग, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बोलिए हमारी गाड़ी की इसके बाद यहाँ हम लोग खड़े जी लेवल से ऊंचा था, रेता पूरा पूरा गायब हो गया, कुछ गांव वाले ले गए मिट्टी बालू जा रहे था, खींच के इसी में कर दिए सर आपके गांव वाले के लिए। तो जब आज सही डोमिनगढ़ से लेके गांव तक जो बांध का मरम्मत के कार्य चल रहा है, उसके माननीय विधायक जी के सूचना मिला कि किदार द्वारा उसमें बालू का प्रयोग किया जा रहा है। आज हमारे माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी ने मौके पर गए, गांव की समस्या को देखते हुए ठेकेदार जी यही को मौके पर बुलाए और जांच करने का आश्वासन दिए हैं कि अगर जांच में बालू की मात्रा अधिक पाया गया तो ठेकेदार को FIR दर्ज किया जाएगा और ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। कहां से कहां तक बनना है ये बात? अब देखिए डोमिनगढ़ से लेकर कहां सार बांध तक टू लेंथ होना है, इसमें भीषण बाढ़ आ जाने के कारण जो है कि कुछ कटान हो गया था, उस कटान का वर्तमान समय मरम्मत का चल रहा है।
लिया है कि इसका परीक्षण करा के मुझे अवगत करा रहा, और जो शिकायत ग्रामीणों की थी उस शिकायत पर एक्सीजन को हमने कहा कि अपने स्तर से 5-6 जगहों पर उसकी जांच करा ले और जांच रिपोर्ट से हमको अवगत करा। तो किस तरह की शिकायत मिली थी यहाँ पे आपको? ये था कि जो सिल्ट यहाँ का था वो बंधे में डाल दिया गया। सर कहाँ से कहाँ तक बनना है ये बंधा? सर ये बंधा तो पूरा यहाँ से लेकर के कितना किलोमीटर? 105 मीटर से मोहम्मदपुर माफी तक। सर एक सर एक क्वेश्चन जी, जैसे आपके विधानसभा में सिंचाई विभाग की तरह ईडब्ल्यूडी में भी काम हो रहा है जी, अगर नहीं होगा तो फिर हम ऊपर सेंट्रल लेबोरेटरी से बताइए सामने सेंट्रल लेबोरेटरी। हाँ जी सर, तब तक काम अभी स्लो इसका रखिए, कैरेज की मिट्टी लावें। जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले तहसील दिवस का आयोजन तहसील सदर के सभागार में उप जिलाधिकारी सदर राहुल पांडे की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आए फरियादियों की समस्या के वो संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ने उसके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मंगलवार को तहसील सदर सभागार में आयोजित समाधान दिवस में आए कुल 90 मामलों में से 2 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। तहसील दिवस में तहसीलदार विनोद सिंह, सीओ कैंट आशुतोष सिंह सहित राजस्व विभाग एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। पहले घटपट जैसे काट लिया 2009 में।
नगर निगम द्वारा महानगर के कर विभाग की समीक्षा बैठक मंगलवार को महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में निगम सभागार में आयोजित की गई। बैठक में गृहकर, जलकर एवं सीवर की बकाया वसूली के संबंध में सभी जोन प्रभारी, कर अधीक्षक और कर निरीक्षक से उनको दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष वसूली के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि नगर निगम के विकास कार्यों की रीढ़ की हड्डी है बकाया वसूली। बकायेदारों के घर जाकर शालीनता के साथ बकाया करों की वसूली करें। जो कर्मचारी अच्छा कार्य करेगा उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ऐसी स्थिति में 31 मार्च 2018 तक जिन कर निरीक्षकों एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति करते हुए सबसे अधिक वसूली की जाएगी उनमें से 3 कर्मचारियों को निगम परिसर में सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में महापौर के साथ नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, संयुक्त नगर आयुक्त सुमित कुमार, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रवीश चंद्र, कर निर्धारण अधिकारी शशिकला सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। मानदेय बढ़ाए
बढ़ाए जाने और पुरानी पेंशन व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट और शिक्षक महासंघ के सदस्यों का यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य बहिष्कार जारी रहा। आंदोलन के इसी क्रम में शिक्षकों ने मंगलवार को जुबली इंटर कॉलेज में धरना दिया। धरने की सूचना पर कोतवाली इंस्पेक्टर माधव प्रसाद द्विवेदी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने शिक्षकों को धरना समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। शिक्षक जब नहीं माने तो कोतवाली इंस्पेक्टर ने उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए वापस लौट गए। इस अवसर पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष लाल बिहारी यादव, उपाध्यक्ष चंद्रभूषण मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता देशबंधु शुक्ला, जिला अध्यक्ष राजा रत्नेश्वर सिंह, राम प्रकाश सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष लाल बिहारी यादव ने इस धरने के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। और आंदोलन की पहली वार्ता हो चुकी है, वार्ता विफल हो चुकी है। यहाँ पर मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा ही होता है। ऐसा ही नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर तो बिल्कुल नायक होने नहीं चाहिए। इसके अंदर हम किसी को हल्ला कर रहे हैं, ये गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जो हलचल कर रहे हैं यही गलत है। देखिए, हम लोग आपकी भाषा में नहीं, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहिए अलग से, लेकिन आप शोर करेंगे तो गलत है। चलिए, हम लोग चुपचाप नहीं, अगर आप शोर करेंगे तो मुझे विधि कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो करूंगा। भाई देखिए, विधि कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं, इसीलिए तो आए हैं। तो ये तो एक उदंडता है ना, आप पढ़े लिखे हैं, लोग हैं, कार्रवाई मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, अपराध कर रहे हैं, क्या मतलब है? आप हमको जेल ले चलिए, बंद करिए, जो है वो भी आवश्यकता पड़ी करूंगा। कोई आवश्यकता नहीं, अगर ये आप शोर करेंगे तो आवश्यकता पड़ेगी, मुझे करना पड़ेगा। हम कानून हाथ में ले रहे हैं तो आप हमको बंद कर दीजिए, जो है गिरफ्तारी हम लोग दे देते हैं। तो देने पड़ेगा, आप गिरफ्तारी कर चाहेंगे तो भी हम मनसा पूरी कर देंगे। नहीं, जो आप चाहेंगे, जो साधन, मैं नहीं चाहूंगा। अगर परिसर के अंदर कोई उदंडता हुई वो गलत हुआ तो गलत है। किसे कोई न कापी छीनेगा, न कोई न किसी को छीनने देंगे, हम तो छीनेंगे। आप नहीं, आप तो अभी आए हैं, इसके पहले हम छीनना चाहे उसे छीन लिए होते। अच्छा जी, छीन लीजिए अभी। नहीं, आप तो अभी ना आए हैं ना, तो हम लोग छीन लियो, आपको सूचना मिली भाग जाए। हम लोग कहीं से कानून को हाथ में नहीं लेते, ऐसा कभी कुछ किए हैं नहीं। कहाँ से किस कॉलेज से ड्यूटी वाले हैं, कुछ ड्यूटी वाले, ये कुछ ड्यूटी वाले हैं लोग, कुछ बिना ड्यूटी वाले करने वाले दोनों। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लाल बिहारी यादव है। लाल बिहारी यादव जी, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ अपने विश्वविद्यालय शिक्षक संघ। ये सर लाल बिहारी यादव है, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, बता दें। प्रदेश प्रदेश कर रहे थे ना, अगर आप शांति करेंगे तो नहीं करना चाहिए, मैं करूँगा जरूर। बिल्कुल ना, अगर हल्ला किया रोटी नहीं मिलती है, हम लोग लेते हैं जिसको काफी निकालने जाना होगा, हम लोगों के पेट पर लात रखेगा। बिल्कुल नहीं बाधा डालेंगे काफी निकालने में, मां साहब आपको अनुमति नहीं दूंगा। मिस्टर लाल बिहारी यादव जी, हम लोग लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते दूंगा। काम करना वापसी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कैसे कर देंगे? जब हमारे पैर पर लात रखेंगे तब हमारे सिर पर लात रखेंगे, तो बाधा डालना पड़े। हाँ, बाधा डालें तो क्या, हम लोग तांत्रिक तरीके से बाधा डालें। अच्छा, फांसी नहीं, आप बाहर निकल करके बैठिए, बात बाहर निकल, जहाँ धरना प्रदर्शन है वहाँ करिए। क्या करेंगे आप? कानून हाथ में समझते हैं आप? कानून हाथ में उठाइए, ले चलिए सामान पे तारीख करेंगे, वो भी कर लेंगे। अभी हम सारे अधिकार को अवगत करा रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी वो भी आपकी गिरफ्तारी भी करेंगे। पुलिस कुछ बंद है क्यों? हाँ, मैं बंद किया। अरे हम बंद किए रहते तो हम खुद कह देते कि हमने बंद किया है, हम लोग को चोरी करने वाले हैं, कहेंगे हमने बंद किया है, हम बंद किए रहते हैं। खोलने भी देंगे हमारे, अरे इनको क्या राइट है कि खोलने दे, खोलने दे, इसके लिए अपॉइंट फोन किए गए हैं। हम लोग लेते हैं, कोई गुंडा ही थोड़ा नहीं, कोई बंद कर देगा, पता नहीं कौन होंगे हम लोग, जो है हम तो जो समझाना समझाएं। अभी शाम के चल कल ये नहीं, कोई मर्यादित ये मास्टर जो है 80% उत्तर प्रदेश में शिक्षा दे रहा है, 1,000-1,500 पा रहा है। वहाँ बताना चाहिए, वहाँ बताइए कि आपको यहाँ बताना है, और साहब वहाँ बताएंगे।
मेरा विषय नहीं है। आप क्यों अपना धरना करना शुरू कर देंगे, हम लोगों को जिंदगी में तनख्वाह नहीं मिल पा रही। उचित माध्यम सरकार से 5 साल लड़े तो जाते जाते 1000 महीना दिया, और तब तक ये सरकार आई तो 1000 महीना वो भी मिल रहा था, उसको भी बंद कर दिया। उनसे भी लड़ रहे हैं विधानसभा घेराव की। इसमें जो है ये जो शिक्षक जो है माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाला शिक्षक आज जो है प्रबंधकों का गुलाम बनकर के नौकरी कर रहा है। यह उत्तर प्रदेश की गुलामी का दूसरी लड़ाई है कि हम ये गुलामी से जो है शिक्षकों को मुक्त कराना चाहते हैं, और प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें शिक्षा सुरक्षा चिकित्सा भारत के मौलिक अधिकार में है, तो इस पर आप पैसा खर्च करें। मूल्यांकन कार्य का में बाधा लाना या फिर उसको बंद करना या फिर छोड़ देना, ये क्या उचित? हम सरकार के कामों में जब बाधा डालेंगे तब तो सरकार हमारी बात सुनेगी। हम विधानसभा का घेराव करते हैं, विधानसभा नहीं चलने देंगे तो हमारी बात सुनी जाती है। जब हमने नोटिस दिया अगर ये बाधा सरकार नहीं डलवाना चाहती है, हम दफा 80 के तहत 10 दिन पहले नोटिस देते हैं। हम लोगों ने 3 तारीख को नोटिस दे दिया सरकार के हर अधिकारी को जो है, तो इनको बुला करके समस्या का समाधान करना चाहिए। ये धरना प्रदर्शन आंदोलन तो सरकारें खुद करवाती हैं, हमारी ताकत देख रही हैं। तो 4 दिन में तो हमने 20% कापियां नहीं जचने दिया, हमारी ताकत वो देखें कैसे रिजल्ट निकल जाता है। कर रहे हैं आप मांग, हमारी इतना ही है कि हमको मानदेय सम्मानजनक मानदेय दे। पिछली सरकार ने जो मामूली मानदेय दिया था उसकी भी कम से कम बहाली कर दी। कब तक जारी रहेगा आप लोग का? ये तो हम लोगों का आज सरकार चाहे तो आज जो है हम लोगों को खत्म कर देंगे। सोमवार को जनपद के शराब की दुकानों का आवंटन पहली बार लॉटरी सिस्टम से कराया गया, जिसमें आवंटन में पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश सरकार को गोरखपुर जिले से ही लगभग 13,51,00,000 रुपए का राजस्व लाभ मिला है, और आवंटी भी इस प्रक्रिया से संतुष्ट दिखे। योगी सरकार बनने के बाद लगातार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां विभागों में सभी टेंडर ई टेंडरिंग के माध्यम से हो रहे हैं, वहीं जिले में पहली बार शराब की दुकानों का आवंटन भी ई लॉटरी के जरिए किया गया। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि 7,633 लोगों ने दुकान के लिए रकम जमा की थी, जिनमें 17,700 रुपये एक व्यक्ति ने जमा किए थे। इसमें से 477 लोगों को दुकान आवंटित हुई है। इस प्रकार 7,633 लोगों के द्वारा जमा किए गए कुल 17,700 रुपये के आधार पर प्रदेश सरकार के खजाने में एकमात्र गोरखपुर जिले से ही कुल लगभग 13,51,00,000 रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को सिविल लाइन स्थित एक लॉन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अमरीश, प्रांत रक्षक बालकृष्ण शर्राफ,
प्रांत अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल, प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप, महानगर अध्यक्ष विजय खेमका सहित परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने परिषद के स्थापना के उद्देश्य और परिषद द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर प्रकाश भी डाला। भारत चीन सीमा पर, भारत नेपाल सीमा पर, देश के आंतरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर चार घंटे तक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और संस्कार, इन चार बिंदुओं पर उनके वनवासी भैया बहनों का चयन करके उनको 27 प्रसंगों पर राम कथा और कृष्ण कथा का प्रशिक्षण देकर पूर्णकालिक कथाकार ऐसे निकालने का काम परिषद ने किया। परिषद के तमाम सेवा के काम चलते हैं, छात्रावास, विद्यालय, अनाथ आश्रम। 3 साल बाद ही उत्तर पूर्वांचल में हाफलांग ने अपना छात्रावास प्रारंभ किया। आप कभी नागपुर जाइए तो नागपुर रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर हमारा एक प्लेटफार्म स्कूल चलता है। प्लेटफार्म पर जो लड़के आपको घूमते टहलते बोतल बीनते हुए पानी बेचते हुए ऐसे दिखते हैं, ऐसे बच्चों को एक स्थान पर रहकर उनको अच्छे स्तर की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा देने का काम और एक परिसर में रहकर विश्व हिंदू परिषद वर्षों से कर रहा है। इतना अच्छा वो प्रकल्प है, सरकार किसी की हो लेकिन नागपुर का भी कैरेक्टर अगर आता है तो तीर्थ यात्रा की तरफ नागपुर के हमारे प्लेटफार्म स्कूल का उत्तर चल जाता है। आप अभी वेबसाइट पर प्लेटफार्म स्कूल नागपुर डालिए तो उसकी पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। मैं वहां गया था, वहां जाने पर मालूम हुआ उसमें कोई जेम्स भी है, कोई जफर भी। सब लोग बैठकर हमारी पद्धति से उठना, मंत्र कहना, भोजन करना और बाकी हर तरह की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके इस तरह का काम परिषद के द्वारा होता है। अनचाहे शिशुओं की बात जब आती है तो ध्यान में आता है ईसाई मिशनरी के लोग ही ध्यान में आते हैं। आपको बताते हुए गौरव हो रहा है, अनचाहे शिशुओं का देश के मानक के आधार पर सर्वश्रेष्ठ 2-4 केंद्र जो है उसमें सबसे अच्छे केंद्र में जिसकी गणना है वह केंद्र कोई ईसाई मिशन के लोग नहीं। अगर वहां जाना हो तो जाकर वह मातृ छाया का दर्शन करे। 1973 से वहां 3 पीढ़ियां हमारी वहां पर थी। राजस्थान में बांसवाड़ा जिला है, बनवासी जिला है, रतलाम से लगा हुआ है। ईसाइयों की गतिविधियां बहुत तेज थी। पूरे देश में ईसाइयों को हम एक साथ नहीं रोक सकते, किया कि बांसवाड़ा जिला को ईसाई मुक्त करेंगे। 1200 विद्यालय विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के द्वारा चलते हैं। आज हम गौरव से कह सकते हैं बांसवाड़ा जिले में एक भी ईसाई नहीं रहे। यह विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्न से। इस देश में एक कहावत थी, हिंदू के यहां से जाने का जो रास्ता है, हिंदू के घर में आने का कोई रास्ता नहीं। झूठ था, झूठ था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहली विजय इस देश में मुसलमान के रूप में प्राप्त की 712 में, उसके बाद जितने मुसलमान हुए महर्षि देवर ने देवर स्मृति की रचना करके उन सबको वापस लाने का काम किया। स्वामी परशुरामाचार्य जी ने संपूर्ण नगर को राजस्थान में हिंदू धर्म में वापस लाकर उसको परशुरामपुरी का नाम दिया। स्वामी रामानंदाचार्य ने जिन्हें अयोध्या में 10,000 लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने का काम किया। इतना ही नहीं, 1875 में आर्य समाज की स्थापना करके महर्षि दयानंद जी ने और पूरा का पूरा एक आंदोलन का शुद्धि आंदोलन के रूप में किया। इस पूरे काम को विश्व हिंदू परिषद ने संगठित रूप से करने का काम प्रारंभ किया। हम धर्म प्रसार विभाग के नाम
से काम करते। महानगर के जटाशंकर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री गुरु नानक देव निशुल्क रक्तदान सेवा सोसाइटी एवं गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक के तत्वावधान में आयोजित शिविर में विभिन्न समुदाय वर्ग के लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर सर्व समाज के खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर शिविर के आयोजक जगनैन सिंह नीटू, परमजीत सिंह छतवाल, रविंद्र सिंह कोहली, चरणप्रीत सिंह मोंटू, राजेंद्र सिंह, बाबा अमर सिंह, गौरी चौधरी सहित कई अन्य मौजूद रहे। को समर्पित करके लगाते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारा ये 14वां ब्लड कैंप है। और इससे भी ज़्यादा खुशी ये बात है कि आज हमारे इस संस्था के श्री गुरु गोरक्षनाथ ब्लड बैंक चिकित्सालय ब्लड बैंक का हमें बहुत सहयोग रहता है कि हर बार ब्लड बैंक से टाई अप होकर ही हम लगाते हैं और महीने में कम से कम 200 से 250 लोग हमारे गुरुद्वारे से, हमारी संस्था से आके किसी भी धर्म जाति का दूर दूर के लोग जहाँ भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग पास फोन करता है, हम उनके एक आई डी प्रूफ लेते हैं और 5 मिनट के अंदर अगर वो नीडी है तो उसकी थोड़ी जांच करके उनको हम लोग 5 मिनट के अंदर ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। ईश्वर से यही कामना है कि हमारे ऐसे भाई लोग जितने लोग हैं दूर दूर से आके सब लोग हम लोग एक होकर मानवता के लिए रक्तदान करते हैं, जब तक जीवन है ऐसा करते रहेंगे। शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल ये खबर नहीं, एक सूचना है। 21 मार्च को मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी का शाम 7:30 बजे सर्किट हाउस में आगमन होगा। वे 22 मार्च को 10 बजे से मंडल के जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीली प्राधिकरणों को उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के प्राविधानों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू भी होंगे, जिसके पश्चात मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी 4 बजे से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। मंगलवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान पर चल रहे राज्य आमंत्रण महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का एक मैच रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और चारगावा क्लब के बीच खेला गया, जिसमें रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर ने चारगावा क्लब को 25-17, 25-19 के अंतरों से सीधे सेटों में हरा दिया। गोरखपुर की तरफ से सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी शशिबाला शुक्ला, जूनियर राष्ट्रीय खिलाड़ी सुमन मौर्य, सब जूनियर राष्ट्रीय खिलाड़ी अमृता साहनी, अनन्या कुशवाहा, पूजा पूनम चौहान, ज्योति गौड़, नीलू चौहान, पिंकी सोनकर सहित सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में पहली जीत दर्ज की है। इस मौके पर क्रीड़ाधिकारी गोरखपुर मंडल एके पांडे, निर्णायक सोनभद्र से आए आईबी शर्मा, विष्णु सिंह, संकटा सिंह, जहीरुल्ला खान, रणजीत शाही, अतुल सिंह, ओंकार सिंह, वॉलीबॉल प्रशिक्षक मुकेश सिंह, वॉलीबॉल महिला प्रशिक्षक रीवा शाही सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के 2 अन्य मैचों में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ने बस्ती को और सुल्तानपुर ने चरगावा को हराया। Go! 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 Go!
मंगलवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे गोरखपुर क्रिकेट लीग का पहला क्वार्टर फाइनल मैच टीडीएस क्रिकेट एकेडमी और खलीलाबाद चैंपियन के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीडीएम एकेडमी ने 35 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर कुल 202 रन बनाए। टीडीएम क्रिकेट एकेडमी की तरफ से राहुल सिंह ने 53 और राहुल जॉनसन ने 43 रनों की पारी खेली। 210 रनों का पीछा करने उतरी खलीलाबाद चैंपियंस की पूरी टीम 23 ओवर में 91 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। टीडीएम क्रिकेट एकेडमी की तरफ से राहुल सिंह ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लेकर खलीलाबाद चैंपियन के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और अपनी टीम को 118 रनों से जीत दिलाकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जल्दी जल्दी चलने के पहले नजर डाल लेते हैं फिर से हेडलाइंस पर। नवागत जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने ट्रेजरी ऑफिस में किया कार्यभार ग्रहण, कहा शासन की योजनाओं को मूलभूत रूप से संचालित करना ही होगी उनकी पहली प्राथमिकता।
निर्माणाधीन बंधे का कैंपियरगंज के विधायक एवं पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने किया औचक निरीक्षण, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दी चेतावनी। सदर तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस में आए 90 मामलों में से 2 मामलों का हुआ त्वरित निस्तारण। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई कर विभाग की समीक्षा बैठक, बकायेदारों से वसूली पर दिया गया जोर। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य बहिष्कार करने वाले शिक्षकों ने मंगलवार को जुबली इंटर कॉलेज में दिया धरना। पहली बार ई लॉटरी से शराब के दुकानों के आवंटन से आवंटी दिखे संतुष्ट, सरकार को भी हुआ 13,51,00,000 के राजस्व की प्राप्ति। विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने परिषद के स्थापना और संचालित कार्य पर डाला प्रकाश। जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे में आयोजित हुई रक्तदान शिविर, सर्व समाज के लोगों ने स्वेच्छा से किया रक्तदान। 21 मार्च को मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी का होगा महानगर में आगमन, विविध कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राज्य आमंत्रण महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम ने चारगावा ब्लॉक को हराया। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के पहले क्वार्टर फाइनल में टीडीएस क्रिकेट एकेडमी ने खलीलाबाद चैंपियन को 118 रनों से पीटा, सेमीफाइनल में जगह की पक्की। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।